हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया हो? तो देखो, आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। आप सभी अगर एग्जाम 2024 में देने वाले हो, टॉपर बनना हर कोई चाहता है, हर किसी का सपना होता है, तो अगर ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखोगे तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो चीज़ें बताऊँ वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक प्यारा सा मोटिवेशन थॉट सुनाना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं आप सभी को पसंद आएगा। जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, उनके ही सितारे चमकते हैं, उनके ही सितारे चमकते हैं, जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते, जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। तो आप ये कभी मत कहना कि मेरे घर पर लाइट नहीं है, मेरे पास पढ़ने के लिए साधन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। भाई, अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो जिस परिस्थितियों में आप जी रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको ढलना पड़ेगा और उसी पर आपको फोकस करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी पड़ेगी। भाई, अब जब मैं स्टडी करता था, मेरे पास भी भाई मैं लालटेन से और गैस जो होती है उसको जला जला के पढ़ा था, फिर भी मैं टॉपर बना था, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था, सपना था, भाई मुझे टॉपर बनना है। उसी तरीके से बेटा, आपका भी एक टारगेट होना चाहिए कि मैं वास्तव में ये करना चाहता हूँ, मुझे इतना करना है जब कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? देखो, एक टॉपर होता है और एक आप हो, दोनों में अंतर क्या है ये बताओ। आपके पास भी सब कुछ है, आपके घर वाले आपको पढ़ाने के लिए पैसे देते हैं, टॉपर वाले, टॉपर जो भी बच्चा उसके घर वाले भी उसको पैसे देते हैं, टॉपर के पास भी 24 घंटे टाइम है, आपके पास भी 24 घंटे टाइम है, फिर वो टॉपर क्यों है और आप क्यों नहीं हो? कभी अंतर जानने की कोशिश किया है? आप कभी सोचते नहीं हो कि भाई मुझे उसको डिफीट करना है, मैं उसकी तरह बन सकता हूँ, अगर वो टॉपर है तो मैं भी टॉपर बनूंगा। आप ये सोच ले तो यार, मेरे से भी नीचे बहुत सारे बंदे हैं, ये नहीं सोच रहे तो मैं क्यों सोचूं भाई। तो सबसे पहले आपको डिफरेंस जो है ना उसको भाई सामने वाले को टक्कर देना है, सामने वाले को कंपटीशन देना है, अपने को नीचा नहीं दिखाना है कि मैं भाई टॉपर बन ही नहीं सकता। सबसे पहले अपनी मेंटेलिटी को चेंज करो कि भाई मैं भी टॉपर बन सकता हूँ, मेरे अंदर भी उतना पोटेंशियल है, मैं अगर थोड़ी सी मेहनत करूंगा मैं भी उसकी तरह बन जाऊंगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, उसके पास भी 24 घंटे, उसके पास भी सारी बुक, सब कुछ जो टॉपर के पास है वो आपके पास भी है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है सर शुरू कहाँ से करें, कैसे करें, सर क्या करना चाहिए? तो बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेल्फ स्टडी पर फोकस करना पड़ेगा। देखो, आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे चीज़ें आपकी समझ में नहीं आने वाली। तो आपको सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है और फालतू अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। कहाँ से क्या करना वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो। अगर आप हमारे साथ स्टडी करना चाहते हो, आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस के साथ स्टडी करना चाहते हो, आपका सपना 2024 में 90 प्लस स्कोर करना है, तो बेटा आप सभी के लिए हम लोग लेकर आ चुके हैं रैंकर बैच। इतनी मिनिमम फी में इतना बेस्ट कंटेंट अगर आपको कोई भी प्रोवाइड कर दे तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रैंकर बैच में ज्वाइन करवा दूंगा। इट्स माय चैलेंज। इस रैंकर बैच में आपको बेटा डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं, सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे। बुक्स, पूरा सिलेबस जो है अप टू डेट सिलेबस आपको यहाँ पर दिया जाएगा, मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे, 3 साल की PYP आपको मिलेंगे, सारा कंटेंट जिसको बोलते हैं ऑल सब्जेक्ट का क्लास 12th के लिए, हिंदी मीडियम के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं रैंकर बैच में, जिसकी पूरे साल की अभी फी है 1499 रुपये। अगर इतनी मिनिमम फी में इतना बेस्ट कंटेंट कोई भी दे दे, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करूंगा भाई। इट्स माई चैलेंज, मुझे भरोसा है ना, इतना कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये सब कुछ कहाँ मिलेगा बेटा? तो इसके लिए आपको हमारे एक एप्लीकेशन है, स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो। तो जो भी बच्चे फ्री वाले हैं या पेड वाले, सभी बच्चे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रखी है। इन्हीं सारी चीज़ें पेड हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो सभी बच्चे डाउनलोड कर लो। जिनको रैंकर पे ज्वाइन करना है तो वो बच्चे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेंगे, सर मुझे भी 2024 में आपके साथ स्टडी करनी है, सर मैं भी आपके साथ स्टडी करके 2024 में 90 प्लस स्कोर करना चाहता हूँ। तो बेटा ये कॉलिंग नंबर, व्हाट्सअप नंबर है, कॉन्टैक्ट करो अगर वास्तव में सपना 90 प्लस का है तो, नहीं तो जगह जगह भटकते रहो, वहाँ पर रिजल्ट कुछ मिलने वाला नहीं। ऑफलाइन में आप हज़ारों रुपए वेस्ट कर दो कि वहाँ कुछ फ़ायदा आपको मिलेगा नहीं, वहाँ पर क्लासेस मिलेंगी, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, लाइव क्लासेस हैं, नोट्स हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, एवरीथिंग। आगे आप समझदार हो, मैं आगे नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब आपको करना क्या भाई टॉपर बनने के लिए? सबसे पहले भाई आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है ना, हम कोई भी काम करने से पहले सोच लेते हैं भाई हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे तब जाकर हमारे काम होने वाला है, होता है ना ऐसा? वैसे बेटा आपको भी, आप बोर्ड एग्जाम में कितना स्कोर करना चाहते हो, आपका सपना कितना है, 90
90 प्लस, 80 प्लस, 75 प्लस, 85 प्लस, पहले आप अपना टारगेट फिक्स करो। अब ये नहीं कि टारगेट आपने सोच लिया, देखो बड़ा सोचा करो, छोटा तो हर कोई सोच लेता है। सपना 90 प्लस का, देखो भाई मुझे 90 प्लस स्कोर करना है, लेकिन सपना आपने बड़ा देख लिया। सपना कितना है भाई, 90 प्लस से मेरे को अबव स्कोर करना, 90% से मेरे ज़्यादा आने चाहिए। अब 90% कहने से आ जाएंगे क्या, हलवा है क्या, दो मिनट में बना और खा लो भाई, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपको बॉडी बनानी है तो भाई एक डाइट प्लान होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। वैसे ही हमारी जिंदगी किसके ऊपर डिपेंड, भाई स्टडी जब तक नहीं करोगे आपका भविष्य नहीं बनने वाला। आप कहोगे सर बिजनेसमैन बन के ये करके, भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हो कि आपके पास उतना पैसा है, आपको सर लोन मिल जाए, बेटा लोन भी किसी चीज़ पर उठाओगे आप। अपवाद हर जगह होते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, बट पहले आप खुद को देखो, उन चीज़ों को गोली मारो, पहले खुद पर वर्क करो भाई, ठीक है। आपको अपना टारगेट फिक्स करना है, जितना टारगेट आप सोचो उसके अकॉर्डिंग मेहनत करो, तभी आप जिंदगी में सक्सेस होने वाले हो। पहला काम आपको ये करना, कितना स्कोर करना चाहते हो एक बड़े से चार्ट पर लिख लो, उसको चिपका दो जहाँ पर भी स्टडी करते हो। और दूसरी चीज़ देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, एक टेबल और एक कुर्सी आप ले लो स्टडी के लिए। एकांत माहौल होना चाहिए जहाँ पर आप बैठ के स्टडी कर सको, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पाओ। दूसरा, आप बेड पर बैठकर पढ़ रहे हो, अगर कुर्सी मेज को छोड़कर आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो एक्स वाई जेड, अच्छे से स्टडी नहीं होगी भाई, कान खोल के सुन लो, आपको नींद आने लगेगी या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे। बट अगर आप कुर्सी मेज पर एकदम भाई हमारा अब जब कुर्सी बैठेंगे तो ये एकदम स्ट्रेट रहता है ना, तो नींद आने की संभावना बहुत कम रहती है, ठीक है बच्चों। तो स्टडी अच्छे से करो ना यार, घर वालों को धोखा मत दो यार, ना पढ़ के आप किसको धोखा देते हो, आपको लगता है कि हम घर वालों को देते हैं, आप खुद को देते हैं यार। फ्यूचर किसका खराब होने वाला है यार, हमारा होएगा, हमारे घर वाले हमको केवल हमारा हमारे ऊपर जितना ही पैसा खर्च होता है बेटा वो कर सकते हैं, लेकिन आगे हमको ही करना है। अब आप अपनी फैमिली का बैकग्राउंड देखो यार, उसको देखकर आपको तरस आता होगा, मैं ये नहीं कहूँगा सभी का एक जैसा होता है, बट यार उनके भी ड्रीम्स हैं आपसे, उनके भी सपने हैं यार, कम से कम उनके लिए तो मेहनत करो, अपने लिए मत सोचो कि भाई मेरे को कुछ करना है, उनके लिए अगर जिंदगी में कुछ कर जाओगे तो उनका नाम कितना रोशन होगा, थोड़ा सा डीपली सोच के देखना यार, ठीक है, थोड़ा दिल से सोचना, अंदर से सोचना, ओके। चलिए अगला काम बचाओ, आपको क्या करना है, एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना है। आप कहोगे सर हम स्कूल भी जाते हैं, सर हम ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग भी करते हैं, सर हमारे लिए सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। आप देखो मैं मानता हूँ बच्चों, आप सुबह 7 बजे से लेकर 12-1 बजे तक आप स्कूल में रहते हो, स्कूल का टाइम हो गया, आने के बाद ऐसा तो है नहीं तुरंत आप कोचिंग चले जाओ, थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद आप 2 बजे के बाद आप कोचिंग कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन कर रहे हो ऑफलाइन कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 3 कोचिंग कर रहे हो, 4 कोचिंग कर रहे हो, जितने घंटे पढ़ रहे हो आई डोंट नो कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, फिर भी मैं मान के चलो भाई 4 से 5 घंटे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ रहे हो। ऑनलाइन हमारे साथ पढ़ना है तो स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पर रैंकर बैच में हम आपको ऑनलाइन कोचिंग करा देंगे, जिनको ऑनलाइन ज्वाइन करना है हमको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है। अब आप कहोगे सर 5 से 6 घंटे सर स्कूल में चले गए और 4 से 5 घंटे सर हमारे ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग में चले गए, 5 और 5 में मान के चलता हूँ 10 घंटे सर हमारे इधर चले गए, 6 घंटे सर 7 घंटे हमें सोने के लिए चाहिए, 17 घंटे चले गए, बचा हुआ जो टाइम है सर हम उसका क्या करें, उसमें खाना पीना सब कुछ होता है। अगर देखो इन चीज़ों पर जाओगे तो भाई फिर पढ़ने के लिए आपको टाइम नहीं मिलने वाला। आप ये जा रहे हो मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, कितना ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो या कितना घंटे स्कूल में पढ़ रहे हो, मेरे को जो फ़र्क पड़ता है यार वो सेल्फ स्टडी से पड़ता है, क्योंकि जब तक मैं उन चीज़ों को नहीं पढ़ूंगा जो टीचर ने पढ़ाई मेरी समझ में नहीं आने वाली। भाई कान खुल के सुन लो, आपको टीचर ने जो भी पढ़ाया अगर आप उसी दिन जाके स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा सर ने ऐसे ऐसे बताया तो मैं ऐसे ऐसे करूंगा, मेरे को तैयार हो जाएगा। तो सेल्फ स्टडी आपको कम से कम 4 से 5 घंटे यार इन प्रेजेंट टाइम आपको करनी पड़ेगी, 4 से 5 घंटे आपको खुद से उन चीज़ों को पढ़ना होगा जो टीचर ने आपको पढ़ाया है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है। जब तक आप खुद से 4 से 5 घंटे बेटा नहीं पढ़ोगे तब तक आप उन चीज़ों को नहीं समझ पाओगे जो टीचर ने आपको अच्छे से बताई थी। इज दैट क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है। तो भाई ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो ऑनलाइन कर रहे हो स्कूल जा रहे हो उसको आप गोली मारकर इस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, सेल्फ स्टडी आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसके लिए निकालना है। उसके बाद डेली आप प्री प्लानिंग करो यार, मैं आज मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं या 6 सब्जेक्ट हैं, आप 10th में 12th में आप सीखो ये चीज़ें, हिंदी है इंग्लिश है फिजिक्स है केमिस्ट्री है मैथ्स है या फिर मेरे पास बायो और अदर सब्जेक्ट है, उसी हिसाब से सोचो। अब प्री प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि आप आज सुबह 10 मिनट बैठो भाई, आज आप पूरे दिन क्या क्या पढ़ने वाले हो भाई, मान के चलो हिंदी में आपको जीवन परिचय तैयार करना, किसी भी लेखक का जो भी आपने लिख लिया कि मेरे को आज इसका जीवन परिचय तैयार करना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसका जीवन परिचय तैयार करके रहूँगा,
इंग्लिश में मान के चलिए भाई मेरे को चैप्टर वन है, उसके लॉन्ग क्वेश्चन मेरे को तैयार करने हैं दो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं लॉन्ग क्वेश्चन इसके दो तैयार करके रहूंगा। फिजिक्स में मान के चलिए हमको फिजिक्स के चैप्टर वन के न्यूमेरिकल्स निकालने हैं, आज मैं आज फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स निकालूंगा। तो वो प्री प्लानिंग कर लो कि आप पूरे दिन आज क्या पढ़ने वाले हो, क्या करने वाले हो, वो प्री प्लानिंग में आपके आ जाएगा। ये जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप प्री प्लानिंग नहीं करोगे बेटा, तब तक वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में नहीं आने वाली हैं और आप डेली बेसिस पर ये चीजें नहीं कर पाओगे। आपने मान के चलो भाई, अगर आपने प्री प्लानिंग नहीं की, आपने पहला चैप्टर पढ़ा फिजिक्स का, फिर अगले दिन भी आप वहीं से उठाते हो, होता है एक ही चैप्टर को आप एक महीने तक पढ़ते रहते हो, बाद में देखते हो आपको कुछ याद ही नहीं हुआ। तो जब तक आपके कॉन्शियस माइंड में कोई चीज नहीं जाएगी भाई, याद नहीं होने वाली। और कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें एक बार में याद नहीं होता। यार एक बार में किसी को याद नहीं होता, आप क्या महान हस्ती हो भाई। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसको एक बार में याद हो जाए, कान खुल के सुन लो। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेगुलर बेसिस पे उस चीज को पढ़ना होगा। आज आपने फिजिक्स के दो डेरिवेशंस निकाले तो दो से तीन दिन उनकी प्रैक्टिस करो, लिख लिख कर तैयार किया करो, लिख लिख कर चीजें लॉन्ग टर्म तक हमको याद रहती है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा। एक दिन में किसी को याद नहीं होता, मैं क्या कोई भी इंसान आप ला के रख दो। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर आप कहीं नई जगह पर जाते हो, कहीं पर गए, वहां पर 15 लड़के आपको या लड़कियां मिली और वहां पर जो एक बंदा है उसने इंट्रोड्यूस करा दिया कि इसका नाम ये है, ये है, ये है। अब आपसे 5 मिनट बाद किसी भी एक नए लड़के को लाकर पूछा जाए भाई इसका नाम क्या है, आप बता पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्शियस माइंड में वो चीज फीड नहीं हुई थी जल्दी, यार कोई भी कैप्चर नहीं कर पाता। जब आप 10 से 15 दिन उन लोगों के साथ रहोगे तो आपको सभी के नाम याद हो जाएंगे, इसका नाम राम है, श्याम है, रिया है, पिया है, गिया है, जो भी है, होता है ना ऐसा। तो भाई कोई भी चीज आप याद करो उसे 2 से 3 दिन खुद से प्रैक्टिस करो, रेगुलर बेसिस पर रिवीजन आपको जरूर करना है, तभी आप लॉन्ग टर्म तक चीजों को याद रख पाओगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट है, अभी से आपको देखो सेल्फ नोट्स, कुछ बच्चे जैसे हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं तो बच्चे सेल्फ नोट्स बनाना बंद कर देते हैं। तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा बेटा, जब तक आप सेल्फ नोट्स नहीं बनाओगे, देखो हमारी राइटिंग है या फिर हम आपको स्मार्ट नोट्स दे रहे हैं, जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप याद अच्छे से नहीं कर पाओगे। क्योंकि खुद से लिखा हुआ जो टॉपिक है ना वो हमको ज्यादा अच्छे से याद होने वाला है भाई। तो सभी बच्चों से मैं बोलूंगा भाई सेल्फ नोट्स आप जरूर बनाओ और कलर्ड नोट्स बनाओ, जिससे कि जब आप उनको पढ़ो तो एक अलग ही फील आए भाई पढ़ने में, ठीक है। तो सभी बच्चे नोट्स अभी से सभी सब्जेक्ट के बनाएं, ठीक है। तो सेल्फ नोट्स आप लोगों को जरूर बनाने चाहिए भाई, क्योंकि जब आप लिखोगे, लिखते टाइम आप उन चीजों को गुनगुनाओगे तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड में जाएंगी और वो चीज हमको लॉन्ग टाइम तक याद रहने वाली है। तो सभी बच्चों को भाई इस चीज पर जरूर गौर देना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो बच्चों के दिमाग में रहता है, सर हमें किस बुक से पढ़ना चाहिए जिससे कि हम अच्छा स्कोर कर सकें? सर एनसीईआरटी से पढ़ें या फिर रेफरेंस बुक से पढ़ें? देखो बच्चा मैं आपसे कहूंगा दोनों से पढ़ो, ये नहीं कि एक से पढ़ो। देखो एनसीईआरटी से भी पढ़ो और रेफरेंस जो बुक होते हैं ना वहां से भी। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो न्यूमेरिकल्स जो हैं आपको रेफरेंस से जरूर लगाने चाहिए भाई। आप पीवाईपी उठा के देख लीजिए, 2018 के बाद एनसीईआरटी लगा हुआ, आप सभी को पता होगा 2018 से एनसीईआरटी लग गया था यूपी में एवरीवेयर, और एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स बहुत कम होते हैं, तो हमको इसके भी न्यूमेरिकल्स लगाने और इसके भी लगाने हैं। तो मैं आपसे कहूंगा भाई दोनों बुक से पढ़ो, कुछ चीजें यहाँ से पढ़ो, कुछ चीजें यहाँ से पढ़ो, तभी आप पूरा कवर करने वाले हो। ये नहीं कि आप एक ही बुक से पढ़ रहे हो, आप केवल एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, आप रेफरेंस से पढ़ रहे हो, आप दोनों से पढ़ो तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका जो संदेह था इसको मैंने दूर कर दिया। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है यार, सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट ना करें, और दूसरा एक जो प्यार मोहब्बत वाली चीज़ होती है भाई, इससे थोड़ा दूरी बना लो अपना। अगर गर्लफ्रेंड है तो उसे बोल दो मेरे से कुछ एक साल के लिए तो दूर हो जा भाई। एक ही चीज़ बोलूँगा, देखो एक जो उम्र होती है ना 17 से 23 साल वाली भाई, एक ऐसा स्टेज होता है जो आपकी ज़िंदगी संवार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अगर आप प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए फिर आप पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाओगे, फ्यूचर को नहीं बना पाओगे। और अगर आपने ये उम्र, ये 6 साल आपने लगा दिए अपने फ्यूचर के लिए, मेरे को भाई ज़िंदगी में कुछ करना है, मेरे को कुछ बनना है, तो जब आप 23 साल के होंगे ना, 23 साल के बाद आप जैसी सुंदर कन्या से या जो भी लड़का लड़की या लड़के जो भी हो, आपको अच्छा वर या वधु मिल जाएगी। और अगर आप सक्सेस नहीं हो तो जिससे आप सच्ची मोहब्बत करते थे ना, वही आपको ठोकर मार के चले जाएगी। फिर आप गाना गाओगे, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, होता है ऐसा। फिर 23 साल के बाद आप सोचोगे मेरे को अब ज़िंदगी में कुछ करना है। वहाँ पर दो ही जो लड़का या लड़की है उसके पास दो ही रास्ते रह जाते हैं, या तो उसको लाइफ में कुछ करना होता है या फिर वो अपनी लाइफ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो भाई मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा, पहले ज़िंदगी बना लो यार, उसके बाद प्यार व्यार सब धोखा है यार। प्यार मोहब्बत करनी है तो किताबों से करो, ये आपको कुछ ना कुछ देके जाएंगे, ज्ञान देके जाएंगे यार। क्यों ऐसे इंसान से मोहब्बत कर रहे हो जो आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करता? आज कदर कर रहा है यार, बाद में ना करे।
ठीक है। तो आपसे एक चीज़ बोलूँगा, मोहब्बत करनी है तो किताबों से करो, लड़कियाँ लड़कियों में क्या रखा है मेरे दोस्त, ठीक है। तो पहले अपना फ्यूचर बना लो, फिर इन चीज़ों के चक्कर में पड़ जाना, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, अगर वास्तव में आप टॉपर बनना चाहती हो तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी आप 2024 में अच्छा स्कोर करने वाले, जितना चाहते हो उतना स्कोर हो जाएगा। और आप अगर स्मार्ट स्टडी क्लासेस के साथ तैयारी करना चाहते हो तो आप सभी के लिए हमने रैंकर बैच चला रखा है, जिसमें ज्वाइन होने के बाद आपको 90+ पक्का दिलवाएंगे भाई। जिनको ज्वाइन करना है रैंकर बैच, वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेंगे, सर हमें रैंकर बैच ज्वाइन करना है, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी और बोर्ड में आप कितना स्कोर करना चाहते हो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे कि वो भी पढ़ने लग जाए, ठीक है बच्चों। टाटा बाय बाय, टेक केयर।